हेलो व्यूवर्स, आज हमारे साथ मौजूद हैं शिखा राजपूत जी, जो कि पेशे से एक शिक्षक हैं। इसके अलावा उनका मॉडलिंग में भी बड़ी रुचि रहती है। पिछले दिनों हमारा शो हुआ था फेस ऑफ इंडिया, उसमें फर्स्ट रनर भी रही हैं आप, और भी कई सारी संस्थाओं से भी जुड़ी हैं, समाज सेवाएं भी इनकी रहती हैं। तो हम जानना चाहेंगे, जैसे पिछले दिनों लॉकडाउन का समय रहा है, अभी भी जो है पोजिशन कोरोना की अच्छी नहीं है, पेशेंट बढ़ रहे हैं, इस बीच में एजुकेशन का, शिक्षा का बड़ा नुकसान हुआ है, बच्चे घर में रहे, आलसी हो गए, और क्या क्या किस किस तरह की दिक्कतें बच्चों के सामने आई हैं, और उनसे उभरने के लिए, क्योंकि एजुकेशन तो रोक नहीं सकते, तो एजुकेशन को आगे जब बोर्ड आ रहा है, बोर्ड से रिलेटेड हम उनसे बात करेंगे कि वो बोर्ड में अच्छे नंबर आने के लिए, मार्क्स आने के लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे। जी शिखा जी, आप सबसे पहले तो मैं अंसारी जी का धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे यहाँ पर निमंत्रित किया, और सभी अभिभावकों के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि वो बच्चों को ज़रूर समय दें, समय समय पर बच्चों के लिए उनकी समय सारणी बनाएं, जिससे कि उनका हर चीज़ का समय निर्धारित हो, पढ़ाई का, खेलने का, क्योंकि शिक्षा के साथ साथ बच्चों का मानसिक और उनका शारीरिक विकास भी बहुत ज़रूरी है, जो कि कोरोना काल में रुक गया। बच्चे खेल नहीं पा रहे, बच्चों की कोई एक्टिविटीज़ नहीं हो पा रही, और बच्चे बिल्कुल भी अपने आप को कॉन्सेंट्रेशन नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रहे हैं। घर बैठ के उनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, बच्चों को ही नहीं, उनके माता पिता भी बहुत अग्रेसिव हो रहे हैं। रुक गया, बच्चे खेल नहीं पा रहे, बच्चों की कोई एक्टिविटीज़ नहीं हो पा रही, और बच्चे बिल्कुल भी अपने आप को कॉन्सेंट्रेशन नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रहे हैं। घर बैठ के उनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, बच्चों को ही नहीं, उनके माता पिता भी बहुत अग्रेसिव हो रहे हैं, क्योंकि वो बच्चों को इतनी देर घर में बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। इसलिए मैं चाहूँगी कि बच्चे, जैसे कि अब बोर्ड आ रहे हैं, तो आप बजाय बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस को रटने के, पहले जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है वो आप कंप्लीट करिए, जो 1 मार्क्स का है, जो छोटे छोटे नंबरों की जितनी भी हैं पेपर्स, उनको कंप्लीट करिए, पुराने सैंपल पेपर से तैयारी करिए, और कोशिश करिए जो भी आप याद करें उसको समझ कर याद करें। हमें कोई गाने याद नहीं कराता, हमें कोई फिल्में याद नहीं कराता, लेकिन हमें याद रहती हैं। क्यों याद रहती हैं? क्योंकि उसमें हमारा इंटरेस्ट होता है, हमारी उसमें रुचि होती है। जब हम किसी चीज़ में रुचि लेते हैं तो वो हमें रट के याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो हमें खुद ब खुद याद हो जाती है। इसलिए आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छे नंबर लाएं, बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। इसका मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि लॉकडाउन का टाइम बच्चों की एजुकेशन में जो रुचि कम हो गई है उसको बढ़ाने की जरूरत है। बिल्कुल, रुचि बढ़ेगी तभी कुछ होगा, क्योंकि इसका सिलेबस भी शायद बोर्ड ने कम किया है, कम कर दिया है सिलेबस, 30% तक लगभग कम कर दिया है बोर्ड ने। तो ये तो आप बच्चों के लिए बड़ी अच्छी बात है कि कम सिलेबस है, तो उसमें थोड़ा सा भी अगर ध्यान देंगे तो बच्चे अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। डॉक्टर साहब सॉरी, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगी, एक्चुअली बच्चों में पेशेंस कम हो गए हैं। बच्चों ने क्या करा, 8 महीने उन्होंने छुट्टियां एंजॉय करी, उन्होंने सोचा हमें पेपर नहीं देने पड़ेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर जब मार्च में 22 मार्च को लॉकडाउन लगा, उस समय दिल्ली दंगों का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा बच्चों पर। कुछ बच्चों के पेपर हुए, कुछ के नहीं भी हुए, लेकिन सरकार ने उनको पास कर दिया। तो बच्चों ने ज़्यादातर ये सोचा कि इस बार लॉकडाउन है तो इस बार भी पेपर नहीं होगा, लेकिन हमारी सरकार ने बच्चों को एक उपहार दिया कि आपके पेपर होंगे, आप पढ़िए, आप तैयारी करिए। उन्होंने सिलेबस कम करा, लेकिन आपको सिलेबस देख के घबराना नहीं है बिल्कुल भी, आप उसको डिवाइड कर दो। आपके पास 2 महीने हैं, हर सब्जेक्ट को आप 1 घंटा दो, आपका 60% 70% मार्क्स कहीं नहीं गया। 60% 70% बुरा नहीं होता अगर आप उसको मन लगा के करें, अपने करियर के बारे में सोचें, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, नेगेटिव ना सोचें। यदि आप फेल भी हो जाएं तो पुनः प्रयास करें, खुदकुशी जैसे या किसी तरीके के नेगेटिव विचार अपने मन में ना लाएं। ये मेरी आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है। नहीं, इतने सब कुछ सुविधाएं हुई हैं, सिलेबस कम हो गया, और जो है डिपार्टमेंट की तरफ से नए नए सर्कुलर आ रहे हैं, जैसे कि मैं पता लगता रहता है, मैं भी एजुकेशन से थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ हूँ जी। तो इतना कुछ होने के बाद भी बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं कि बच्चों को स्कूल ही नहीं भेजना चाह रहे, तो उनसे उनको क्या कहना चाहिए? नहीं, उनका डर जायज है। बीमारी जो ये आई है, इसने हमारे देश को हिलाकर रख दिया, इससे सभी प्रभावित हुए, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, हाई क्लास, सभी प्रभावित हुए, बच्चे, बड़े, बूढ़े, बहुत से लोगों ने तो अपनी जान तक गंवा दी इस कोरोना काल में। उनका डर जायज है, लेकिन अब क्योंकि इसकी वैक्सीनेशन आ गई है, सभी एज ग्रुप के लिए अलग अलग डिवीज़न कर दिए गए हैं, तो जैसे ही वैक्सीनेशन आपके लिए आए आप लगाएं, और अभी भी 2 गज की दूरी रखें, अपनी सुविधाओं के लिए नहीं, अपनी सुरक्षा के लिए को मास्क, सैनिटाइज़र देकर ही स्कूल भेजें, हर तरीके से उनकी केयर करें, तो डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है।
जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपने। जी शुक्रिया।